नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं डाइवर्सरी कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, चाहे आप होटल में काम करते हों, रेस्टोरेंट में हों, किचन में हों, या फिर सिनेमा हॉल में या हॉस्पिटल्स में हों। डाइवर्सरी कंपनी के केमिकल्स और मशीन्स हर जगह ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि यह कंपनी कितने साल पुरानी है, यह कंपनी किन किन सेक्टर्स में डील करती है, सॉल्यूशंस इनके क्या क्या होते हैं, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या टास्की ही डाइवर्सरी है या डाइवर्सरी ही टास्की है। इस वीडियो में मैं आपको एक एड ऑन भी दूंगा, जिसमें मैं आपको टास्की के बारे में बताऊंगा कि यह कंपनी कहाँ की है और कितने साल पुरानी है। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर होटल्स में, उनके लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं होटल को मेंटेन करने के लिए या फिर किचन को साफ़ करने के लिए, वह केमिकल कहाँ से आते हैं, मतलब उस कंपनी के बारे में। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपको किसी और वीडियो या आर्टिकल में नहीं मिलेगा। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। कि डाइवर्सरी आज ही कंपनी नहीं है, यह ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी कंपनी है, इसलिए यह कंपनी मार्केट में इतनी ज़्यादा फेमस है और उतनी ही रिलायबल है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाइवर्सरी कंपनी का नाम कैसे कैसे चेंज होता गया, किसने खरीदा और किसको बेचा और कौन से ईयर में बेचा, यह हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमको उसके बारे में उसकी प्रोडक्ट नॉलेज होनी ही चाहिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस कंपनी का नाम डाइवर्सरी कॉरपोरेशन था जब ये फाउंड की गई थी 1923 में। यह एक US बेस्ड कंपनी है जिसको फाउंड किया था कोचेस एंड सन्स ने। 1978 में डाइवर्सरी कॉरपोरेशन को एक कैनेडियन कंपनी मॉल्सन ने खरीद लिया था, लेकिन उन्होंने इसका नाम चेंज नहीं किया था। इसका नाम अभी भी 1978 तक डाइवर्सरी कॉरपोरेशन ही था। 1996 में डाइवर्सरी कॉरपोरेशन को खरीद लिया गया था बाय अ ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर, इसलिए इसका नाम डाइवर्सरी कॉरपोरेशन से चेंज होकर डाइवर्सरी लीवर रख दिया था 1996 में। 1996 के सिर्फ 5 साल बाद ही, यानी कि 2002 में डाइवर्सरी लीवर को खरीद लिया था जॉनसन ने, जिसके बाद इसका नाम रख दिया जॉनसन डाइवर्सरी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वह इस केमिकल को या फिर इस कंपनी के जो मशीन्स हैं उनको बोलते हैं कि यह जॉनसन डाइवर्सरी की है। तो यह जो नाम है यह 2002 में पड़ा जब जॉनसन ने डाइवर्सरी को खरीद लिया, तो 2002 में इसका नाम था जॉनसन डाइवर्सरी। 2011 में जॉनसन डाइवर्सरी को सील्ड एयर कॉरपोरेशन ने खरीद लिया, जिससे उसका नाम चेंज होके सील्ड एयर बाय डाइवर्सरी हो गया। 2017 को सील्ड एयर बाय डाइवर्सरी को बेन कैपिटल प्राइवेट इक्विटी ने खरीद लिया और यह एक स्टैंड अलोन कंपनी बन गई, जिसके बाद इसका नाम फिर से डाइवर्सरी ही हो गया। इसलिए अब आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो केमिकल के कैंस आते हैं उनके ऊपर सिर्फ डाइवर्सरी ही लिखा होता है। 2021 में डाइवर्सरी एक पब्लिक कंपनी बन गई जब वो US के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई, तब से इसका नाम डाइवर्सरी होल्डिंग्स हो गया। तो फ्रेंड्स, ये एक पूरी डिटेल थी कि पिछले 100 सालों में डाइवर्सरी का कितनी बार नाम चेंज हुआ है और उसको किस किस ने खरीदा है। चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले जब ये कंपनी फाउंड हुई थी 1923 में, तो इसका नाम था डाइवर्सरी कॉरपोरेशन। 1996 में डाइवर्सरी लीवर, 2002 में जॉनसन डाइवर्सरी, 2011 में इसका नाम हुआ था सील्ड एयर बाय डाइवर्सरी, और 2017 में वापस से इसका नाम हो गया था डाइवर्सरी। तो चलिए जान लेते हैं कि डाइवर्सरी किस किस इंडस्ट्रीज़ में फैला हुआ है या फिर वो किस किस इंडस्ट्रीज़ में डील करता है। तो पहला है फैसिलिटी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेज, फूड सर्विस, गवर्नमेंट, कमर्शियल लॉन्ड्री, बिल्डिंग सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें डाइवर्सरी डील करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि डाइवर्सरी कौन कौन से सॉल्यूशंस में डील करता है। पहला है बिल्डिंग केयर, फ्लोर केयर, किचन केयर, इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन, पर्सनल केयर, फैब्रिक केयर, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन एंड टास्की मशीन्स। तो यह कुछ चीज़ें थी जिनके डाइवर्सरी डील करता है सॉल्यूशंस में। आपने एक बार डाइवर्सरी के साथ हमेशा सुना होगा जो आता है टास्की। तो चलिए टास्की के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये जो कंपनी है टास्की, ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जो 65+ ईयर्स से भी काम कर रही है। ये जो टास्की है ये एक डाइवर्सरी का ही पार्ट है। देखिए, डाइवर्सरी के 4 बिजनेस यूनिट्स हैं, जिसमें से एक बिजनेस यूनिट उनका टास्की है जो केमिकल और मशीन्स में डील करता है। डाइवर्सरी के टोटल 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो 20 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। तो दोस्तों, ये एक ब्रीफ वीडियो था डाइवर्सरी कंपनी के हिस्ट्री के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
या फिर आप मुझे लिंक्डइन पर भी पूछ सकते हैं, मैंने अपनी लिंक्डइन आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।